थोड़े संबंध भी बने हुए हैं हमारे जो राधा स्वामी सत्संग बाबा गुरविंदर सिंह जी ढिल्लो उनके साथ एक बार मिलना हुआ। उन्होंने बताया था मुझे कि 29 तारीख को उनका एक सत्संग कार्यक्रम है, तो उनके दर्शन किए और उसके बाद सिरसा शहर में ही कुछ जगह एक निरीक्षण के नाते से मैंने तय करवाया था। हमारे DC साहब, हमारे MLA साहब, हमारे और बाकी सारे अधिकारी, उन सब ने मिलकर के उन स्थानों पर मेरा विजिट कराया, जिसमें सबसे पहले तो जो रेड क्रॉस का भवन है, वहाँ रेड क्रॉस के भवन के साथ ही एक एकड़ ज़मीन पर एक 50 बिस्तर का रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि हमको मालूम है कि सिरसा जिला और आसपास के जो सारा क्षेत्र है या नशे से जो प्रभावित जो युवा हैं उन सबका डी एडिक्शन सेंटर, बाद में रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उसमें सबसे पहले तो उस रिहैबिलिटेशन सेंटर की मंजूरी मैंने दे दी है। कितना, 1 एकड़ ज़मीन इसी सब का है हमारे, रिहैबिलिटेशन सेंटर का 1 एकड़ कितना, हाँ तो रेड क्रॉस के भवन की बैक साइड में 1 एकड़ ज़मीन उसके लिए मंजूर कर दी है। बाद में मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है उसकी जगह, वो आज मैंने प्रत्यक्ष उसको देखने के लिए कहा था, उसका निरीक्षण किया है, अच्छी है। हाईवे के ऊपर समझो, बाईपास के ऊपर वो स्थान है, 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफ़र हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फर्स्ट वीक में उसका शिलान्यास जो है इसके करने की स्थिति जब बन जाएगी तो उसका शिलान्यास भी आकर के किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जो 20 बेड तो पहले से जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर रिजर्व किए गए थे, जिसमें 25 अभी भी ऐसे युवक वो एडमिट हैं। वो भी मैंने देखा है, जाकर कुछ लोगों से बातचीत भी की है। स्वाभाविक है कि ऐसे जो लोग हैं जब उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज होता है तो वो स्वाभाविक अपनी कुछ बातें याद भी करते हैं, उनसे सहानुभूति पर व्यवहार करके बहुत सी बातें यानी पूछी जा सकती हैं, कौन सप्लाई करता है, कौन उनको देता है, तो सब बातें वो बताने के लिए भी तैयार होते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अपने SP साहब को कहा कि इन सब चीज़ों को भी सप्लायर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आगे कुछ ना कुछ इस चीज़ पर रोक लग सकती है। साथ ही वहाँ एक नया और एक 20 बेड का डी एडिक्शन सेंटर भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी वर्किंग में आ जाएगा, तो वहाँ उसकी भी सर्विस और मिल जाएगी। इसके बाद अनाज मंडी सिरसा में जाना हुआ, वहाँ भी उनकी कुछ तकलीफ़ें थी। मेन अनाज मंडी और साथ में जो एडिशनल अनाज मंडी 2-3 बनी हुई हैं और एक अनाज मंडी और है जो भी विकसित होनी है, उन सब के बारे में जानकारियाँ ली हैं, कुछ निर्णय वहाँ भी करके उनको बताए हैं। बड़ी बात यह है कि अलग अलग संस्थाओं की अनाज मंडी है, कहीं HSVP है, कहीं काम पब्लिक हेल्थ करता है, तो वो सब चीज़ें मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत ही लाई जाएंगी और मार्केटिंग बोर्ड एनुअल मेंटेनेंस भी जो है मार्केटिंग बोर्ड स्वयं कराएगा। वहाँ के सीवरेज को भी, और पुराना सीवरेज है उसकी भी जाँच करा करके अगर आवश्यकता हुई तो सारा या अथवा कुछ पोर्शन उसमें नया सीवरेज भी डलवाया जाएगा। इसके बाद ऑटो मार्केट, यहाँ की हमको मालूम है कि 1985 से वो ऑटो मार्केट बनी थी, उसकी ज़मीन उस समय एक्वायर की गई थी और बाद में दुकानें बनाई गई, कुछ दुकानें दे दी गई हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं, लेकिन कोई प्रकार के झगड़े जैसे पड़ते हैं तो पुरानी सरकारों के कुछ नियम इस प्रकार के बने थे कि विवाद बन गए और वो विवाद भी अभी तक निपटा नहीं है। पिछले 6-7 साल से हम कोशिश करते हैं कि विवाद जो उसका निपटे। आखिर में डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने उसकी सारी कैलकुलेशन कराई है, उन लोगों के साथ भी बैठ के कैलकुलेशन की है, दोनों तरफ की बात की बातें समझौते में कुछ ना कुछ कुछ तो नियम जो पहले बने हुए थे उसको सरल किया है, बची हुई पेमेंट सारी जल्दी जमा हो जाएगी, जो दुकानें बनी नहीं हैं वो भी म्यूनसिपल कमेटी उसको या हमारी नगर परिषद है उनको बनवा देगी, और लगभग उसमें 50 करोड़ रुपये का तो जो उनका रेवेन्यू आएगा दुकानों का, अथवा वहाँ जो पेट्रोल पंप की साइट है, 2 सर्विस सेंटर की साइट है, 1 रेस्टोरेंट की साइट है, कुछ म्यूनसिपैलिटी ने भी पैसा उनको देना है, उन्होंने यूज़ किया हुआ है तो विद इंटरेस्ट अपनी म्यूनसिपैलिटी है उनको 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपये वो देगी कुल मिलाकर के, और मोटा मोटा उनका जो हिसाब किताब बना है उसमें पैसा जो आने वाला है उसकी भी एक निश्चित टाइम टेबल के साथ वो पैसा आएगा, और वहाँ जो विकास के काम है वो भी उसी में से होंगे। आखिर में सब करने के बाद कुछ ना कुछ ऑटो मार्केट के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया बच भी जाएगा, तो वो फैसला एक मोटे रूप से उनका करवा दिया है और अगले सप्ताह से इस पर एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो खेड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको
हाउसिंग जो हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं उसके अंदर उनको टेम्परेरीली बसाया गया था। इनको शिफ्ट करने के लिए गांव कौन सा गांव है? सलारपुर। सलारपुर में ज़मीन देख ली गई है, 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100-100 गज़ के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे, उसका पैसा सरकार खर्च करेगी उसको बढ़ाने के लिए, और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या और कोई भी की जाएगी ताकि आसानी से वो अपना गुजारे लायक मकान बना सकें, लेकिन 100 गज़ का प्लॉट उनको वो फ्री दिया जाएगा, ऐसा एक निर्णय मैं किया है। इस प्रकार से ये सब निर्णय आज जो घूमते फिरते हुए हैं, और आप लोगों को ज़रूर कष्ट दिया कि मैंने 2 बजे का टाइम दिया था लेकिन घूमते घूमते 1 घंटा लेट हो गया, 3 बजे में आया हूँ, इस नाते से आपको इंसान अभी तक इनको एक नोड चाहिए था, वो नोड आज इनको दे दिया है कि जल्दी से जमीन को देखी जा चुकी है, उन किसानों से बातचीत भी हो गई है, तो इस प्रोसेस में डिप्टी कमिश्नर कितने हमारे समय में ये सारा प्रोसेस जमीन खरीदने का पूरा हो जाएगा, तो 2 महीने मानो मैक्सिमम जमीन खरीदने का काम, उसके बाद फिर प्लॉट काटकर को दे दिए जाएंगे। दशकों पुरानी ये समस्याएं थी, अक्सर ऐसी रैलियों में ऐसी घोषणाएं होती है, और आपने आज संबंधित लोगों से सीधा संवाद किया है, बैठक की है पहले, उसके बाद समस्या का समाधान किया है, तो इस नई परिपाटी आपने शुरू की? देखिए, हमने पिछले साल में एक कार्यक्रम शुरू किया था विवादों का समाधान। मुझे ध्यान में कि बहुत से ऐसे हरियाणा में विवाद हैं, कोई 15 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, 25-30 साल पुराना। एक विवाद तो ऐसा निकल करके आया, अभी जनसंवाद के कार्यक्रम किए हैं तो कोई एक म्यूटेशन का एक झगड़ा वो लेकर के चला, और हमारे अधिकारी भी उसमें जूझ रहे हैं, उसकी बात कुछ है, कोर्ट की बात कुछ है। तो अल्टीमेटली ध्यान में क्या आया कि एक म्यूटेशन है सन 1902 की, और एक म्यूटेशन उसके बाद होगी 1906 में, तो 2 में वो बताता है ठीक है, 6 में किसी ने गड़बड़ कर दी। अब 2 और 6 में कौन सी ठीक है, कौन सी गड़बड़ हुई है, ये 116 साल का किस्सा पुराना, 117 साल का। फिर भी मैंने अधिकारियों को बैठाया, 2 IAS बैठाए कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड जितना भी है सब पटवारी तहसीलदार उनको बैठा करके इसे अध्ययन करो, लेकिन इसका जो ठीक फैसला है 1902 का ठीक है तो वो लागू करो, 1906 का ठीक है तो वो लागू करो। यानी 125 साल पुरानी जब अंग्रेजों के समय की ये झगड़े, लेकिन मेरे मन में इस बात का संतोष रहता है कि हम उसकी गहराई में जाते हैं, और गहराई में तभी जाया जा सकता है जब स्वयं उसमें आप जब हस्तक्षेप करें। स्वयं हस्तक्षेप ना करें तो फिर फाइलें तो आपको पता है, फाइल तो वो उसकी तरफ सरकार देगा, उसकी तरफ सरकार देगा, सरकार सरक सरक सरकार सरक सरक सरकार खेती रहती है। SYL बड़ी आपको पता है 2004 से ये भी उलझा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली अब ये कोर्ट में गया है तो कोर्ट जो है उसका फैसला कर चुका है कि SYL बननी है, लेकिन बनने के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर वो चल रहा है, नई डेट जनवरी में है, जनवरी के अंदर फिर देखते हैं सरकारों के बारे में जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ये विषय है कि वो उसको एग्जीक्यूट करें, क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता देखेंगे। सर, मेडिकल कॉलेज बार-बार यही कहते हैं कि हर बार मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया जाता है। नहीं नहीं, जिक्र नहीं किया जाता, वादा करके जाएंगे कि आज जिक्र नहीं किया जाता। आज मैंने प्रत्यक्ष उस साइट को देखा है और प्रत्यक्ष उसकी फाइलें भी देख ली हैं। जमीन ट्रांसफर का विषय था वो कंप्लीट हो गया है, और जमीन कंप्लीट होने के बाद उसको लीज पर दिया गया है। पहले ये HIO हिसार की जमीन है, तो उन्होंने चूंकि HIO इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने MER के नाम उसको लीज पर कर दिया है, और वो कंपनी भी तय हो गई है, HLL हाँ कंपनी तय हो गई है, जिसने उसका सारा डिज़ाइन बनाना है, जिसने उसका टेंडर डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, और जो मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब करके हम कंप्लीट इसका टेंडर लगा देंगे, और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। मैं कह रहा हूँ जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊँगा, और एक बात जो मुझे आप सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यहीं उसका मैं रहस्य उद्घाटन करता हूं कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाई नाथ के नाम से रखा गया। मैंने ये गंभीरता कम है क्या? संत सरसाई नाथ का तो यानी इस शहर के बसाने में कोई भूमिका उनकी रही है ना, ये शहर अब उनको संत बाबा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाता है, तो बाबा सरसाई नाथ के नाम से इस मेडिकल को, और हमने जितने भी ऐसे संस्थान हैं वो सब महापुरुषों के नाम से ही रखे हैं। फतेहाबाद में गुरु रविदास जी के नाम से रखा है,
भगवान परशुराम जी के नाम से हमने कैथल में मेडिकल कॉलेज रखा है, यमुनानगर का मेडिकल कॉलेज गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है, यूनिवर्सिटी मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से रखी है, हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का वो भगवान विश्वकर्मा के नाम से रखा है, हमने बाप दादा